37 ईयर्स के बाद यूपी के राजनीति में इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ, अपने ईमानदारी से जानने वाले योगी आदित्यनाथ, क्या योगी आदित्यनाथ हटाए जाने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल काले और आप देख रहे हो सेकंड ओपिनियन। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और मुझे भी मोटिवेशन बने मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सॉरी, सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में मैं हिंदी वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया हूँ, लेकिन अब रेगुलर हिंदी वीडियोस भी आएंगी और उसके साथ साथ मराठी वीडियोस भी आएंगी। ओके, तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ हटाए जाने वाले, ये नैरेटिव जो लिब्रांडो पत्रकारों से चल रहा है, जो रविश कुमार, अभिसार शर्मा, न्यूज़ 24 जो भी है, कल ABP माझा भी उसमें कूद पड़ा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला है। जो यूपी में दो नाकार बिन काम के जो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, इनके बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो अंदरूनी टसल चल रही है, उसके वजह से जो पार्टी का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का कार्यक्रम यूपी में शुरू हुआ है। आपको बताएं कि यूपी में अभी कार्य समिति की बैठक वहाँ पे हुई, 4-5 दिन की जो बैठक हुई और उसमें जो सारी चीज़ें निकली और जिस तरह के बयान केशव प्रसाद मौर्य से निकले कि पार्टी से बड़ा संगठन होता है। ज़रूर मित्रों, पार्टी से बड़ा संगठन होता है, सरकार से बड़ा संगठन होता है, लेकिन अपने ही सरकार में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करना, ये कहाँ तक जायज है, ये आप मेरे को बताइए। तो रही योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और योगी आदित्यनाथ के ही पीछे क्यों नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के बाद क्या हो सकता है? योगी आदित्यनाथ अगर 2027 में चीफ मिनिस्टर फेस यूपी के इलेक्शन में नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ का अगर हम सफर समझ के लिए, तो 5 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, वो 5 साल मतलब 20 साल उन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश के सबसे बड़े सभागृह लोकसभा में सर्व किया है, देश को सर्व किया है। वहाँ पे अलग अलग मुद्दे जो लोकसभा के थे, मतलब लोकसभा में कैसे कार्यवाही होती है, अपना ज़्यादातर समय ये लाइब्रेरी में बिताना, अलग अलग कमिटीज़ को हेड करना, अलग अलग कमिटीज़ में शामिल होना, उसका काम कैसे चलता है उसको समझ के लेना, इसमें योगी आदित्यनाथ ने 20 साल अपने खपाए है। उसके साथ गोरखनाथ जो पीठ है गोरखपुर में, उसके वो पीठाधीश है, तो एक सनातन धर्म से जुड़े रहना, लोगों के लिए अलग अलग एनजीओ के थ्रू काम करना, इसके लिए योगी आदित्यनाथ इससे पहले पहचाने जाते थे। 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ और बीजेपी वहाँ पे बहुत साल बाद अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई, तो वहाँ पे सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एज योगी आदित्यनाथ को बैठाया गया। उन्होंने 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, उन्होंने 5 साल में यूपी की इकोनॉमी कैसे बढ़ी उसके ऊपर ध्यान दिया, और फाइनली 2022 में जब योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर चुनाव हुआ तो बीजेपी को फिर से बम्पर मेजोरिटी मिली और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। तो 2017 में जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, ही वॉज अ सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, एंड 2022 में जब वो मुख्यमंत्री बने, देन ही वॉज अ सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, मतलब ही वॉज अ इलेक्टेड मुख्यमंत्री, तो ही वॉज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन 2024 एंड ही वॉज अ सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन 2017। ओके, तो दोस्तों जिस तरह से बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 ये टारगेट अपने लिए रखा था, दोस्तों यूपी में क्या हुआ, यूपी में बीजेपी क्यों हारी, इसके ऊपर चर्चा अलग से हो सकती है और इसके ऊपर अलग अलग थ्योरीज अपने निकल के आ रही है और बीजेपी भी अपने मंथन में लगी हुई है कि किस तरह से हम हारे, क्यों हारे। जो बातें अभी कार्य समिति में निकल के आई है, जिस तरह से ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नाकारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा योगी आदित्यनाथ के पीछे छोड़े गए, अलग अलग चीफ सेक्रेटरी योगी आदित्यनाथ के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए वहां पे लगाए गए, जो टसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रही है उसको किस तरह से हवा दी गई, किस तरह से वो दो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इनको योगी आदित्यनाथ को बायकट मतलब कट करने के लिए वहां पे रखा गया, योगी आदित्यनाथ के ऊपर
एक नियंत्रण करने के लिए रखा गया, वो हम सबको पता है, वो थेरी अलग अलग जगह से चलती आ रही है और थेरी कहीं ना कहीं पुष्टि भी मिलती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को कैंडिडेट सिलेक्शन में नहीं चूज किया गया, उनके जो कैंडिडेट्स थे वो जो चुनना चाहते हैं उनको उस चीज़ की आज़ादी नहीं मिली, और कोई तो भी पत्रकार शर्मा है उसके नाम पे उसके कहने पे सारे कैंडिडेट्स चुने, और क्या हुआ है हम आप सबने और हमने देख लिया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यूपी के हेल्थ मिनिस्टर और नाकारा उप मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी से आए हुए दूसरे पे पार्टी के जीव पे पलने वाले ब्रिजेश पाठक सर। ब्रिजेश पाठक सर, आपको ब्रिजेश पाठक सर की पहले हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि ब्रिजेश पाठक ये वही इंसान है जो 2014 से पहले बहुजन समाज पार्टी मतलब मायावती की पार्टी में काम करते थे, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई और जैसे ही उन्हें देखा कि बीजेपी अब यूपी में भी सरकार बना सकती है, बीजेपी अब यूपी में भी सरकार बनाने के कगार पे है और बीजेपी मेजोरिटी में अब आ सकती है, तो 2014 के बाद उन्होंने पार्टी शिफ्ट की और ही बिकम भाजपा ही। तो वो भाजपा में आए और भाजपा में आने के बाद सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्हें डायरेक्टली 2022 में उप मुख्यमंत्री बनाया गया दिनेश शर्मा को हटा के, जो यूपी में एक टाइम मेयर पे रह चुके हैं और संघ के कार्यकर्ता थे, ग्राउंड से उनका कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा था, लेकिन जो इंसान बीजेपी में नहीं था, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से आया और अमित शाह के करीबी होने के वजह से, और करीबी क्या दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए योगी के आदित्यनाथ के सिर के ऊपर जो ब्रिजेश पाठक को बैठाया गया और उन्हें सीधा उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन में अच्छा काम किया है और संगठन के इंसान कहे जाते हैं। 2017 में जब बीजेपी की बंपर जीत हुई और बीजेपी अपने बहुते 317 सीट यूपी में जीती, तब सबको लग रहा था कि आज प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने काफी ज्यादा मेहनत की है तो ही कुड बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उनकी एस्पिरेशंस उसके डिजायर उन्होंने छुपाए भी नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन संघ ने और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक हुकुम का निकाला और यूपी को अगर कंट्रोल करना है, यूपी को अगर अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि उन्हें पता था कि 2024 में अगर फिर से सरकार बनानी है तो यूपी में अच्छा शासन देना पड़ेगा, यूपी में अच्छी डिलीवरी देनी पड़ेगी, और उसके लिए उन्होंने इंसान चुना जो एक सन्यासी बैकग्राउंड से आता है, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश है, जिनके अपने बच्चे नहीं, बीवी नहीं, कुछ नहीं, और जो समाज के लिए त्याग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो एक कठोर है, जो लॉ एंड ऑर्डर यूपी की ठीक करा सकते हैं, और उन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया। उन्होंने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की, उन्होंने यूपी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाई और यूपी का $1 trillion इकोनॉमी बनाने का सपना और टारगेट उन्होंने देखा। तो यूपी में जो गुंडा राज यूपी में MY कॉम्बिनेशन के वजह से, मतलब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के ज़माने में जो गुंडा राज यूपी में चल रहा था, उसकी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब बात आती है दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ अपने सक्सेस मतलब अपनी लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचने लगे, तब बात कहने लगे, बात हो रही थी कि आफ्टर मोदी कौन, तो मोदी के बाद अगर कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ रही है, ना कि उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में उनकी डिमांड होती है। अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात, चलो अमित शाह भी नहीं कहेंगे, सेकंड नंबर पे नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी इंसान के रैली की डिमांड पूरे इंडिया में होती है तो योगी आदित्यनाथ की होती है, और जो वहाँ जहाँ जहाँ वो रैली करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का स्ट्राइक रेट अब हम देखें तो जीतने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनका जो निरागस चेहरा है या फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनसे बहुत सारे लोग एक्टिव है। जिस तरह से यूपी में उन्होंने काम किया है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक किया है, इवन सिद्धू मूसेवाला कि जो फादर थे उनका आपने वीडियो देखा होगा कि अगर योगी का राज में होता तो मेरा बेटा आज जीवित होता, दैट मींस एक दूसरे स्टेट का एक फेमस पर्सनालिटी का पिता भी कह रहा है कि योगी के राज में ये चीज़ें मेरे बच्चे के साथ होती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ सख्त शासन करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सख्त इंसान है। इस तरह का भरोसा उन्होंने लोगों के दिल में, लोगों के बीच में पैदा किया है। आज उत्तर प्रदेश में 6 बजे के बाद भी औरतें, 10 बजे तक औरतें, लड़कियां, लड़के घूम सकते, तो ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का कारनामा है। तो दोस्तों ये रही सारी योगी आदित्यनाथ की अचीवमेंट्स। नाउ 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी 80 में से 80 का टारगेट रख के चल रही थी कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हम कम से कम कम नहीं होने वाले। आपको पता है कि 2019 के इलेक्शन में 62+2 बीजेपी की और उनकी गठबंधन मतलब उनके जो साथी थे उनकी मिला के 64 सीट्स आई थी, 62 फॉर बीजेपी और 2 फॉर अपना दल, ठीक है। तो
अपना दल की दो और बीजेपी की 62 मिला के 64 सीट्स हुई, जबकि मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी ये और सुलोसपा मतलब राजभर ओपी राजभर की पार्टी, ये सारी पार्टी एक होने के बावजूद बीजेपी ने 62 सीट जीते। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि इस इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए, कांग्रेस 7 सीट जीत गई, मतलब अराउंड 44 सीट्स ये कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन जीत गया। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ और 110% कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। जो विदेशी ताकतें जॉर्ज सोरस जैसे लोग जो मिलियंस ऑफ डॉलर लेके बैठे थे ताकि इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो सके, ताकि इंडिया में एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस हुए, प्राइम मिनिस्टर अल्बेनीजी हारे, इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर हुए ऋषि सुनक हारे, फ्रांस में इलेक्शंस हुए तो फ्रांस के जो अभी प्रेसिडेंट है मैक्रॉन वो हारे। ऊपर से अभी जो आप चल रहा है अमेरिका में, आपने देखा है कि जो बदलाव के संकेत है वो हर दुनिया के हर कोने में मिल रहे। इंडिया ही एकमात्र ऐसे देश है जिसने स्टेबिलिटी को चुना, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका जहाँ पे लगा वो झटका था उत्तर प्रदेश। बीजेपी को अगर किसी ने संभाला तो दक्षिण के राज्यों ने और ईस्ट के राज्यों ने संभाला। जैसा कि ओडिशा में बीजेपी आउट ऑफ 21 सीट्स बीजेपी 19 सीट्स जीती, एकमात्र सीट्स जो जीती है ओडिशा की नवीन बाबू की पार्टी बीजू जनता दल वो जीती है। बाकी सारे राज्य जैसा आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीट मिली, कर्नाटका में बीजेपी को 19 सीट मिली, उसके बाद तेलंगाना में बीजेपी को 8 सीट मिली, उसके बाद अगर आप देखें तो केरला में बीजेपी का जो समझा जाता है कि बीजेपी की जमीन वहां पे खंडर पड़ी थी वहां पे भी बीजेपी को 1 सीट मिली, और तमिलनाडु में बीजेपी 12 सीटों पे लगभग 2 नंबर की पार्टी है और उनका वोट शेयर 10% से बढ़ चुका है, मतलब डबल डिजिट में बीजेपी का वोट शेयर जा चुका है। और उनके गठबंधन के साथियों के साथ मिलके उनका जो वोट परसेंटेज था इज अराउंड 19%, तो 19% के करीब 14-15% के करीब उनका वोट शेयर तमिलनाडु में भी बढ़ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा जिस स्टेट पे था उस स्टेट का नाम था उत्तर प्रदेश। अयोध्या 500 साल बाद मंदिर बनाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी हार गई, उसके पीछे बीजेपी का रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ये एक रीजन था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनसुनी की गई, उन्होंने जो 30 कैंडिडेट्स के नाम सजेस्ट किए थे कि इनके टिकट कटने चाहिए, उनके टिकट नहीं काटे गए और उनके ऊपर कंट्रोल। और एक बात दोस्तों, जब आपका डाउनफॉल आप करने लगते हो तो आपके हाथ में नहीं होता कि आप कितने सीटें गिराने जा रहे हो। सबको लगा कि योगी आदित्य 80 में से 80 सीट या 72 सीट्स आ गई तो योगी आदित्यनाथ का सिक्का फिर से जम जाएगा, योगी आदित्यनाथ पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ताकि क्या फर्क पड़ने वाला है, बीजेपी ऐसे ही 400 सीट जीतने वाली है तो 1 सीट हारेगी 2 सीट हारेगी उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। और दोस्तों हर किसी ने यही सोचा कि 400 सीट आने वाली है, हम 1 सीट हराएंगे तो क्या होगा। ऐसे एक एक करते करते बीजेपी को अराउंड 30 सीट्स का बीजेपी को खुद नुकसान हुआ। अगर यही 30 सीट्स आप 240 में अगर गिन लो तो 272 के करीब जाती और बीजेपी अपने बहुमत में आती, अगर बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस भी मेंटेन कर पाती। लेकिन दोस्तों पास्ट की बात हो गई, उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे होंगे और अयोध्या ही क्यों चुना गया, सारी फॉरेन फंडिंग अयोध्या में क्यों डाली गई। और आपको याद होगा, अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ को रिमूव किया जा सकता है, कि योगी आदित्यनाथ को सच में क्या चीफ मिनिस्टर पद से बीजेपी हटाने वाली है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं नहीं नहीं। एक स्टेटमेंट आपके लिए बोलूंगा, जैसे बाला साहब ठाकरे ने लालकृष्ण आडवाणी को बोला था कि मोदी गया गुजरात गया, दोस्तों ये बात भी सही है, योगी गया उत्तर प्रदेश गया। आज भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर अगर बीजेपी के पास कोई चेहरा है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं, जिसकी एक छवि ईमानदार नेता की है, एक साधु है, एक संत है, एक सन्यासी है, तपस्वी है, तो है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने का चांस ही नहीं बनता। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रिजेश पाठक इनकी छुट्टी हो सकती है। जिस तरह के पार्टी विरोधी गतिविधियां उन्होंने की, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को नीचे दिखाने का काम उन्होंने किया, उसका फल उन्हें मिलेगा और पार्टी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा के फिर से पार्टी वर्क मतलब संगठन के काम में लगा सकती है। क्योंकि दोस्तों 2024 तो गया, लेकिन आने वाला 2027-27 में अगर बीजेपी विधानसभा में हारी तो बीजेपी आने वाले 2029 के इलेक्शन में जीत नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। अब आप बोल रहे होंगे कि अखिलेश यादव जो 43 सीट्स मतलब 37 सीट्स अखिलेश यादव ने ली और 8 सीट अराउंड कांग्रेस ने ली तो वो कैसे जीत गए।
दोस्तों उसके पीछे अलग अलग नैरेटिव चले, जैसा कि दलित वोट वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में है, MY जो मुस्लिम एंड यादव कॉम्बिनेशन है। दोस्तों ये कांग्रेस से 2% की पार्टी वहां पे थी। अगर आपने 2022 में कांग्रेस के सीट्स देखे तो कांग्रेस ने 300 जगह लगभग लड़ी और 300 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई, वो भी खुद के बलबूते नहीं, जो कैंडिडेट्स खड़े थे उनका वोट था, वो किसी भी सिंबल से खड़े होते या अपक्ष भी खड़े होते, इंडिपेंडेंट भी खड़े होते तो वो जीत जाते। 2019 में कांग्रेस अमेठी भी हार गई थी। रायबली में भी जब सोनिया गांधी खड़ी थी तो उनका विनिंग परसेंटेज, ये विनिंग मार्जिन ये 1.5 लाख के करीब इतनी डाउन हो गई थी। लेकिन जो इंटरनल सैबोटाज बीजेपी को हुआ और जिस तरह से फॉरेन फंडिंग यूपी में कही गई कि यूपी के स्टेट को ही स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बीजेपी यहाँ से 40 कम हो जाती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बीजेपी टू गेन अ मेजोरिटी बाय इट्स ओन। तो दोस्तों यही टारगेट हुआ और मैं हमेशा बता रहा हूँ कि ये फ्लुक से अखिलेश यादव 37 सीट्स जीत के आए। अभी आने वाला जो बाइपोल यूपी में होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाइपोल, और सितंबर जो एस्ट्रोलॉजी मैं थोड़ी पढ़ता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि सितंबर 2024 तक योगी जी के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन दोस्तों सितंबर 2024 के बाद योगी जी का समय फिर से अच्छा शुरू होने वाला है एंड ही विल कम बैक लाइक लायन। उसके बाद जो उनका शुरू होगा सिलसिला मोदी योगी 3.0, फिर से योगी 2027 में चुनाव जीतेंगे। ये अभी जो बाइपोल आने वाला है उसमें से 5 में से 8-10 सीट्स पे बाइपोल होने वाला है, उसमें से 5 सीटें पहले ही समाजवादी पार्टी के पास है, उनमें से बहुत सारे उनके गढ़ भी है, 2 सीटें बीजेपी के जो साथी है अपना दल और उनके पास है, और 3 सीटें मात्र बीजेपी के पास है। तो आने वाले विधानसभा के जो बाइपोल होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी का परफॉर्मेंस कम हो सकता है, ताकि और एक नैरेटिव को हवा दी जा सके कि देखो बीजेपी उत्तर प्रदेश हारने वाली है और योगी आदित्यनाथ को चेंज किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों बाइपोल का रिजल्ट कुछ भी लगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से एक बार जीतेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बाइपोल में कैसे ही परफॉर्मेंस करे, लेकिन जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अगर इस बार भी मेजोरिटी में आ जाती तो पार्टी जो होती ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती और पार्टी के वर्कर जो घर पे बैठ के जाते और फोर्थ टर्म जो बीजेपी के लिए है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। अब बीजेपी कितना नीचे आ सकती है ये तो सबको पता चल गया, जैसा कि बढ़ने की जगह आने वाले 2029 के इलेक्शन में यूपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से 60+ जाएगी, ये मेरे से लिखवा लेना आप, क्योंकि जो जो सीटें बीजेपी अभी हारी है इट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। अब वहां के लोगों ने जो चुन के दिया है उसके पीछे कुछ भी रीजन रहा हो, खटाखट योजना जो राहुल गांधी की थी, संविधान बदल देंगे, ये जो नैरेटिव विपक्ष ने चलाया उस नैरेटिव को बीजेपी काउंटर नहीं कर पाई और उसका परिणाम हुआ जो SC ST का जो वोटर है उनको लगा कि हमारा आरक्षण खतरे में आ जाएगा, उसके वजह से हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है ग्राउंड पे हुआ और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जो हिंदू, जो गद्दार हिंदू वोट करने बाहर नहीं निकले और जो जाति के नाम पे बटे रहे, जो जाति के नाम पे बहकाते रहे लोगों को, राजपूत बाहर निकले, ये बाहर निकले, वो बाहर निकले, ये नाराज है, वो नाराज है, इस तरह के नैरेटिव फैला दिए गए। एक तरफ जो इंटरनल सैबोटेज थे ताकि योगी बढ़ ना सके वो, दूसरी तरफ कास्ट नैरेटिव, तीसरी तरफ संविधान बदला, और चौथा नैरेटिव खटाखट योजना, मतलब 8,500 रुपये महीना हर महीने हर लेडीज को मिलेगा, इस तरह के पॉम्पलेट घर घर हर घर बांटे गए, उसका भी इम्पैक्ट लोगों में रहा, लोग उस लालच में भी आ गए, और इस तरह से वहाँ पे 37+8 सीट्स कांग्रेस के आ गए और बीजेपी को अराउंड 30 सीट्स का लॉस हुआ। लेकिन ये लॉस अगली बार नहीं होगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना दोस्तों कि झूठ की हंडी एक बार ही चलती है, तो लोगों ने इस बार देख लिया कि ना 8,500 रुपये मिलने वाले हैं, ना 1,00,000 रुपये साल के मिलने वाले हैं, ना आरक्षण खत्म होने वाला है, ना संविधान बदलने जाने वाला है। तो दोस्तों आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश से योगी को हटाना मुश्किल ही नामुमकिन है, और योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से कुंडली है ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो देश के प्राइम मिनिस्टर एक दिन बनेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।